बिजली कंपनी की मनमानी और भारी भरकम बिलों के विरोध में आज कांग्रेस ने जिले भर में कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा के नेतृत्व में बिजली कंपनी की अर्थी निकाली और अधिकारियों पर चूड़ियां फेंकी। इस दौरान मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के विरोध में नारेबाजी भी की गई। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज बिजली कंपनी की मनमानी को लेकर जिले भर में प्रदर्शन किया गया। पार्टी प्रवक्ता मोनू वाघ ने बताया कि बिजली कंपनी की मनमानी से लोग हलाकान हो चुके हैं। कंपनी द्वारा गरीबों और किसानों को वास्तविक खपत से कई गुना अधिक भारी भरकम और मनमाने बिल दिए जा रहे हैं। लोग बिल अदा नहीं कर पा रहे हैं तो उनका सामान कुर्क किया जा रहा और कनेक्शन काटे जा रहे हैं। कांग्रेस ने आज इसी के विरोध में जिले भर में प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कारगिल चौक से बिजली कंपनी के जीएम कार्यालय तक कर्ती निकाली गई। इस दौरान बिजली कंपनी मुख्यमंत्री और खिलाफ नारेबाजी की गई। जीएम कार्यालय के बाद अधिकारियों पर चूड़ियां फेंकी गई और प्रदर्शन किया। अगर 5-7 दिन में व्यवस्था नहीं सुधरी तो हम यहाँ से किसी को आने नहीं देंगे और हजारों पूरे जिले के लोग किसान और हम लोग यहाँ पर आंदोलन करेंगे। भैया बताइए किस तरह प्रदर्शन किया और किसकी अर्थी निकाली आपने? देखिए अभी हमारे बैतूल जिले के लोग अभी कोरोना नामक बीमारी से उभरे भी नहीं है कि बिजली विभाग ने शिवराज सिंह के निर्देश पर आतंक मचा के रखा है। लोगों को 4-4, 5-5, 6-6 गुना बिल आ रहा है। लोग किसान भाइयों की कुल्की की जा रही है। बैल कुल्की, भैंस कुल्की, गाड़ियां, मोटरसाइकिल कुल्की, चारों तरफ भ्रष्टाचार मचा के रखा है बिजली विभाग ने। ऐसे में आज बिजली विभाग के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और हम बिजली विभाग को चेताना चाहते हैं। आज तो विरोध प्रदर्शन में उनके ऊपर महिलाओं ने चूड़ी फेंकी है। अगर आने वाले वक्त में ऐसी आमजनों को परेशान कर दिए करते रहे तो बिजली विभाग के अधिकारियों को जुलूस निकालेगी कांग्रेस इस जिले में। सर अधिकारी से क्या बात हुई? अधिकारी ने क्या आपको आश्वासन दिए? अधिकारी क्या आश्वासन देंगे? अधिकारी तो मुंह बंद है। शिवराज सिंह का इतना भय अधिकारियों पे है कि वो लोग मुंह बंद करके बैठे और जनता के पूरे खिलाफ में काम हो रहा है। क्योंकि ये सरकार जो है वो चुनी हुई सरकार नहीं है, ये पैसे के बल पे सरकार आई है और जो पैसे इनने विधायक को कांग्रेस के खरीदने में लगाए थे वो वसूली जनता से कर रही है सरकार। सर ये बताएं क्या मांग थी कांग्रेस की आज आपको आवेदन भी सौंपा? वो बिल से संबंधित शिकायत कर रहे थे, कुछ बिल ज़्यादा आए हैं उनके, ऐसा शिकायत कर रहे थे वो। और चूँकि कोरोना काल में हमने पिछले महीने मतलब जून में बिजली भी ज़्यादा दी है, सभी लोग घर में थे मई जून में, तो बिल कुछ ज़्यादा आए हैं उनके। और यदि कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड बिल होंगे तो उसकी जाँच कर ली जाएगी, अदरवाइज ऐसा कुछ केस सामने आया नहीं है हमारे पास।
कांग्रेस जो सर नॉर्मल बिल है, वो नॉर्मल बिल है, चूंकि कंजम्पशन ज़्यादा हुआ है तो इस वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि जो है बिल ज़्यादा आ रहा है, बट सही निराकरण किया जाएगा। सर कांग्रेस का आरोप है जो बंद दुकान है, नहीं बंद दुकान का तो ऐसा बिल ज़्यादा नहीं दिया गया, यदि कोई ऐसा केस सामने आता है तो उसकी हम जाँच करा लेंगे।